वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं और मेथड पेपर से रिलेटेड। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो हिस्ट्री से संबंधित सभी बातों को आपके समक्ष में रखा कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी क्षेत्र क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी स्कोप क्या है। तो आइए आज की क्लास में जानेंगे हम सिविक्स मेथड के बारे में। सिविक्स के बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहला क्लास में दे दिए हैं कि हम सिविक्स क्या होता है, ये कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज हम जानेंगे कि इसके क्षेत्र क्या है, ठीक है, और इसके नेचर क्या है। तो आइए क्लास में, आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सिविक्स, यानी नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। तो नागरिक शास्त्र जो है ये बहुत ही एक विस्तृत विषय है। इसको जो है पहले ऐसा कहा जाता है कि यह केवल समाज और व्यक्ति का ही अध्ययन करता है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया होते जा रहा है, इसका क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ते चले जा रहा है। आज जो है सिविक्स केवल नागरिक तक ही सीमित होकर के नहीं रह गई, ये केवल नागरिक और नगर राज्य तक ही नहीं बल्कि सरकार, शासन तंत्र और विदेशी शासन तंत्र के साथ में तुलनात्मक अध्ययन वगैरह वगैरह बहुत सारे, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि यह गांव, नगर, देश, संसार का अध्ययन करता है, यानी कि यह केवल गांव और नगर तक ही सीमित नहीं होकर के पूरे देश, पूरे संसार, पूरे विश्व के बारे में, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, उसकी नागरिकता के बारे में, सिविक्स माने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उन समस्त पहलुओं पर वो अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन। ये मैंने हिस्ट्री क्लास में भी आप लोगों को बताया था। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बीते हुए बातों को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि वर्तमान में हम क्या कार्य कर रहे हैं और उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधार करके हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी भूतकाल में घटित घटनाओं से हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी सफलताओं, अगर कोई घटना अच्छी है और वो उसकी सफलता क्या है, सफलता के कारण क्या है, अगर वो हम जानते हैं तो उसका यूज़ करके हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। और यदि असफलता का कारण है तो हम उस असफलताओं को दोहराते नहीं हैं बल्कि उसमें सुधार करके अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्तव्य और अधिकारों का अध्ययन। ये सिविक्स में ही हम लोगों को बताया जाता है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बिना अधिकार और बिना कर्तव्य की जानकारी के कोई भी व्यक्ति का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है। ये संविधान में हम लोगों को दिया गया है हमारे मौलिक कर्तव्य को, जिसको हम लोग उन कर्तव्यों का पालन करते हैं और उन अधिकारों को जो है हम लोग उपयोग करके अपने भविष्य को बढ़िया बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकार, राज्य तथा समाज का अध्ययन। ये क्या करता है, ये नागरिक का तो अध्ययन करता है, साथ ही साथ समाज का भी अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है। यानी कि स्टेज बाय स्टेज जो है हम हर एक चीज़ के, हर एक पहलुओं के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्कोप ऑफ सिविक्स, यानी नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। ये इसका क्षेत्र सीमा है, इसके अंतर्गत जो है हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अब हम आते हैं इसका नेचर पे कि इसका स्वरूप क्या है। ये नेचर आप लोगों को पूछता है तो जनरली हमने आपको इतिहास मेथड में भी बताया था कि नेचर जो होता है वो विज्ञान है, कला है, या विज्ञान और कला दोनों है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि नागरिक शास्त्र का स्वरूप क्या है। तो विज्ञान के रूप में बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका ऐसा कहना है कि नागरिक शास्त्र का जो स्वरूप है वो विज्ञान के रूप में है। कैसे विज्ञान के रूप में है, सिंपल अगर हम बोलें कि विज्ञान अगर हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड होता है, लेकिन नहीं, विज्ञान और भी बहुत कुछ बतलाता है। जैसे कि डॉक्टर गार्डनर के अनुसार अगर हम इनकी परिभाषा को लेते हैं तो विज्ञान क्या है, योजनाबद्ध निरीक्षण, अनुभव तथा अध्ययन द्वारा अर्जित किसी विषय का वह ज्ञान है जिसका संबद्ध योजनाबद्ध तथा वर्गीकरण द्वारा किया जा चुका है। यानी सिंपल सा एक लाइन में अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो कोई भी वह चीज़ जो योजनाबद्ध हो और जिसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं वो हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। यानी अगर हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन अगर हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और वर्गीकरण के आधार पर करते हैं तो वो हमारा होता है कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। अब हम आते हैं कला पे, कला का रूप, यानी कला क्या है। सबसे पहले तो यानी कला क्या है, तभी हम उसको जो है वो क्लियरिफाई कर सकते हैं कि ये विषय कला है या नहीं। तो कला के बारे में हम ये कहेंगे प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही कला है। और नागरिक शास्त्र क्या बताता है, नागरिक शास्त्र हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार अपने प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि विज्ञान वह है जिसको योजनाबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं और जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं,
वर्गीकरण कर सकते हैं, और फैला हुआ है जिसका जिसका ज्ञान का जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो नागरिक शास्त्र को पढ़ने के बाद एक सुयोग्य नागरिक, एक सच्चरित्र नागरिक बनने के हम लोगों को जो क्या मिलता है, वो मार्गदर्शन मिलता है। हम लोग जब पढ़ते हैं सिविक्स को, तो हम लोगों को क्या, हम लोग अच्छे नागरिक बनने की उन सारे गुणों को जो है जानते हैं। तो अच्छे नागरिक बनने में जो है यह हम लोग हमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिविक्स क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। तो ये है इसका स्वरूप। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास में आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे आगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।